दृश्य भारत टीवी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रोहतास जिले की डेयरी से बड़ी खबर सामने आई है। डेढ़ साल पूर्व डेयरी के इंद्रपुरी ओपी क्षेत्र के चौकन्हा गांव में जिस आरजेडी कार्यकर्ता पप्पू सिंह यादव की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी, अब उसकी पत्नी पूनम देवी ने मुखिया का नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। बता दें, दो साल पूर्व आरजेडी कार्यकर्ता पप्पू सिंह के उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर से लौटकर घर आ रहे थे। जब मुखिया का पर्चा दाखिल करने पहुंची तो सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। पंचायत में लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन पति का तो कमी हमेशा ही खोलेगा। मेरे चकमा पंचायत में पति जो न खरी रहे, कोरोना महामारी आया था, लॉकडाउन लगा था, भूमिहीन गरीबों का राशन वितरण किए थे। अभी तो एक ही बार वितरण किए थे कि गरीब विरोधियों को देखा नहीं गया और उनको हत्या कर दिया गया साजिश के तहत। इस चुनाव में जनता का भरपूर सहयोग है, उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम दोबारा भी मुखिया बनेंगे, है भी आशीर्वाद उनका। मुद्दे देखिए, मैं जैसे ही दोबारा मुखिया बन जाती हूँ तो मैं जनता के बीच में जाऊँगी, एक बैठक करूँगी और बैठक करके मैं जनता से पूछूँगी और उनसे सलाह लेकर कोई भी कार्य करूँगी। फिलहाल की खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।